सरकार के द्वारा संचालित तमाम योजनाओं में जिले की प्रगति और जिले भर में शांति और सुरक्षा को लेकर की जा रही पहल को लेकर आज डीएमएसपी ने पीसी कर जानकारी साझा की। इस मौके पर डीएम कौशल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक कुल 4,22,542 कार्ड बने हैं। विश्वकर्मा योजना के तहत 581 की सूचना भेजी गई थी, जिसमें 418 को स्वीकृत किया गया। वहीं लघु उद्यम योजना के तहत अब तक 1,093 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। कहा गया कि आगामी चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है, मतदान का प्रतिशत बढ़े उसके लिए आवश्यक पहल की जा रही है। वहीं इस मौके पर एसपी शैशव यादव ने कहा कि जिले भर में अपराध रोकने और नशे के सेवन और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। और कहा गया कि अब तक मध्य निषेध के तहत 220 कांड अंकित किए गए हैं, जिनमें 487 की गिरफ्तारी हो चुकी है और आपराधिक घटनाओं को लेकर अब तक 17 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं, 26 कारतूस और 5 खोखे बरामद किए गए हैं। बताया गया है कि 2024 में अब तक कुल 818 गिरफ्तारी की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोसी तटबंध के अंदर आपराधिक घटनाओं और शराब की अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए नवाब बाखर में एक पिकेट की स्थापना की गई। इलेक्शन की बात है तो इसमें हम लोग लोकसभा चुनाव 2019 में 57.7 से नीचे परसेंट से नीचे वाले जो वीटीआर वाले मतदान केंद्र थे वो 177 हैं। इन सभी मतदान केंद्रों पे हम लोगों ने माइक्रो लेवल पे स्वीप स्ट्रेटजी अपनाया है, इसमें कि हाउस टू हाउस जाके हमारी जीविका ICDS की कर्मी और विकास में जाएंगे और वोटर्स को मोटिवेट करेंगे ताकि इन सभी मतदान केंद्रों पर जहाँ पे ट्रेडिशनली कम मतदान प्रतिशत रहा है वहाँ पे इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। अभी तक टोटल 112 लोगों के खिलाफ CCA 3 का प्रस्ताव आया था, इसमें कि 76 लोगों को जिला बदल किया गया है, थाना बदल किया गया है। से 36 वादों पर भी सुनवाई चल रही है, जिसका भी निष्पादन बहुत जल्द किया जाएगा। हम लोग और प्रस्ताव का देने के लिए थाना अध्यक्ष को लोगों को बोले हैं और ज़्यादा लोगों को बाउंड डाउन करने के लिए कहा गया है ताकि कैंप कोर्ट के माध्यम से ताकि समय तत्वों पर को दबिश बनाया जा सके और पंचायत हम लोकसभा चुनाव हम लोग का शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से हो। थैंक यू। कर्मा योजना के तहत टोटल जो आवेदन हम लोग स्टेट में भेजे 581 आवेदन भेजे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से, जिसमें कि 418 आवेदन अप्रूव हो गया है। शेष आवेदन भी जांच की प्रक्रिया में है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी अप्रूव करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना इस वित्तीय वर्ष में लागू किया गया था और कुछ दिन पहले प्रोग्राम हुआ था, इसमें कुछ लोगों लाभों का लाभ भी दिया गया था। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत सुपौल जिला में 1,093 लोगों को की स्वीकृति मिली है और इन सभी को इस योजना के तहत 2,00,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा और प्रथम किस्त में 50,000 दिया जाता है। तो कुछ लोगों को मिला है और ये कार्रवाई चल रही है, हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी को जल्द से जल्द इसका लाभ मिले और इसका भी आप लोग अच्छे से प्रचार प्रसार करें ताकि मैक्सिमम लोग इसमें इस पोर्टल पे अप्लाई करके योजना का लाभ। इसका लाभ सर कौन कौन ले सकते हैं इस योजना का? इसमें जो जो कास्ट सर्वे के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे जो चिन्हित हुए थे उसमें से इसको लोग अप्लाई करके पोर्टल पे इसका लाभ लेते हैं। इसमें छापेमारी की जा रही है अवैध शराब के विरुद्ध और कुल 11,758 लीटर शराब जब्त किया गया है, जिसमें देसी शराब 8,183 लीटर और विदेशी शराब 3,375 लीटर है। अभी तक कुल मद निषेध कांडों के तहत 220 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 220 कांड दर्ज किए गए हैं और गिरफ्तारी शराब के सेवन और कारोबार करने वाले में 487 है। अवैध मादक पदार्थ का सीजर 231 किलोग्राम है। अवैध हथियार 17 जब्त किए गए हैं, 26 कारतूस और 5 खोखा। वर्ष 2024 में कुल 818 गिरफ्तारी है। इसके अलावा चेक पोस्ट जो भारत नेपाल सीमा पर है और विभिन्न जिलों से बॉर्डरिंग है, मधुबनी, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सभी चेक पोस्ट अभी चालू कर दिए गए हैं और वहां पर भी वाहन जाँच, सीजर इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा एरिया डोमिनेशन के लिए ITBP की एक कंपनी है जिसको हम लोग रोस्टर बना करके विभिन्न थानों में बांट के एरिया डोमिनेशन करवा रहे हैं। उन लोगों को पूरा लिस्ट सौंप दिया गया है, वारंटी का सूची दे दिया गया है, जो हॉटस्पॉट है शराब का उसका सूची दे दिया गया है, जो अपराध का हॉटस्पॉट है वो सूची दे दी गई है। इसके अलावा जो सेंसिटिव बूथ है सब जगह SHO स्वयं और LDPO भी इस लेट को इस छापेमारी को लीड कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग की तैयारी भी चल रही है। सर, तटबंध के अंदर बहुत ही टफ होता है चुनाव की व्यवस्था करना,
लॉ एंड ऑर्डर का चुनाव को लेकर, उसके लिए सर प्रशासन किस तरह से तैयार? तटबंध के लिए हम लोगों ने पहले से ही एक पिकेट बनाया है नहुआ बाखर में, जिसके लिए अतिरिक्त बल दे दिया गया है। 2 महीना पहले ये शुरू हो गई है और नहुआ बाखर में वहाँ पर शुरू करके उसको सभी संसाधन से लैस कर दिया गया है। वहाँ पर जनरेटर है, उनके पास बैटरी है, बिजली है, सब तरह की सुविधा है, वाहन भी है वहाँ पर, एक पदाधिकारी भी वहाँ नामित कर दिया गया है और वो बांध के भीतर के क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन करता है, जिसपे प्रत्येक सप्ताह SDPO स्वयं वहाँ पर लीड करते हैं और उन लोगों को सूची भी उपलब्ध करा दी गई है जितने भी फिरारी अभियुक्त हैं और जो रास्ता से, जिससे हम लोग को जानकारी मिलती है कि शराब और NDPS आइटम का तस्कर होता है, तो वो काफ़ी पहले से हम लोग तैयारी कर दिए हैं, जिसका फलाफल काफ़ी अच्छा है और वहाँ से काफ़ी अभियुक्त की गिरफ्तारी भी है, सीजर भी वहाँ से हो रहा है। तो बांध के अंदर का भी हम लोग का तैयारी है और उसके अलावा इन एडिशन टू दैट हम लोग ITBP से हम लोग जो एरिया डोमिनेशन करा रहे हैं, तो बांध के भीतर का जो हम लोग का थाना है वो बीरपुर है, भीमनगर है, रतनपुरा है, डगमारा है, कुनौली है, भपटियाही, किशनपुर, सुपौल, ये सभी थाने बुक चार्ट बना करके बांध के अंदर एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है।